हेलो फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो एक ऐसी बच्ची के बारे में है जो है तो सिर्फ 8 साल की, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का है। उस बच्ची का नाम है वल्ली। जो स्टोरी है इसका नाम है मैम राइड्स द बस। इसको लिखा है वल्ली का नाम है, लेकिन लिखा है तमिल में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले का नाम है KS सुंदरम। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, उसका नाम है वल्ली, लेकिन वल्ली शॉर्ट में है। उसका एक्चुअल नाम है वल्ली अम्मई। 8 साल की बच्ची है और उसका फेवरेट पास टाइम पता है क्या है? अपने घर के दरवाजे पर खड़े होना और बाहर क्या चल रहा है बस ये देखना, और ये देखने में उसको अलग ही आनंद मिलता था। पता नहीं क्या आनंद मिलता था, हो सकता है कि अमिताभ बच्चन उसी गली में डांस करता होगा। बट ये बात भले ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बहुत सारी चीजें देखने में बड़े मजे आते थे। अब एक्चुअली उसका एक रीजन वहां पर खड़े होकर देखने का ये भी था कि उसकी गली में ऐसे कोई बच्चे थे नहीं जिनके साथ वो खेल पाए। तो करती क्या बेचारी, वहां पर खड़े होके देखती रहती थी। लेकिन वो इतनी क्यूरियस बच्ची थी कि उसको हर एक चीज में जबरदस्त आनंद आता था। अच्छा, जो दरवाजे पर खड़ी होती थी और उसको मोस्ट फैसिनेटिंग, मतलब सबसे बढ़िया चीज जो दिखती थी वो क्या थी? बस। वहां पर एक बस आती थी। वो एक गांव में रहती थी, उसके गांव के बीच में और पास के टाउन के बीच में एक बस आती थी। हर एक घंटे में उसको वो बस दिखती थी, एक बार टाउन जाते टाइम और एक बार वहां से वापस आता टाइम। उसको वो रोज देखते रहते थे बस को। धीरे धीरे देखते देखते उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा आई, और वो छोटी सी इच्छा धीरे धीरे वहीं पर बढ़ती गई बढ़ती गई, और इतनी बढ़ गई कि अब उसको लगा कि यार अब ना हो पाएगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अक्सर वो जो नेबर्स थे उसके और जो लोग टाउन जाते थे ना, उनसे सुनती रहती थी कि अच्छा टाउन में ये है टाउन में वो है। तो उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आ गई थी कि वो भी ऊंची वहां जाए और टाउन को देखे। अच्छा, जब कभी उसका कोई फ्रेंड कभी टाउन जाता था ना बस से, और वो कभी डिस्क्राइब करता था कि उसने क्या देखा, तो वो जोर से चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। अब शी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इवन हर फ्रेंड डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड, लेकिन उनको ये समझ में आ जाता था कि हाँ इट इज ए नेगेटिव वर्ड, कि हाँ घमंड कर रहा है, जबरन की झाड़ रहा है, सिटी घूम के आ गया है। तो अब उसकी इच्छा ये हुई कि एक बार उसको सिटी घूमने जाना है। बीच बीच में वो क्या करते थे कि जो भी लोग टाउन जाते थे ना बस से, उनसे कभी कभार थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेती थी, कभी कभार थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें सुन लेती थी, और उसको कुछ बातें समझ में आई थी। एक बार उसने किसी से सुना था, एक आदमी से, कि बस का किराया कितना है? 30 पैसे। एंड ही वॉज अ वेल ड्रेस्ड मैन। उसने बोला ओ 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, जिस पर लक्ष्मी जी मेहरबान है ना, उसके लिए वो अमाउंट कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें वल्ली के, तो एक महीने से दूसरे महीने तक पहुंचते पहुंचते उस बेचारे ने तो कभी इतने पैसे देखे ही नहीं थे, तो उसके लिए तो वो अमाउंट बड़ी थी। उसने और भी जानकारी निकाली। क्या जानकारी निकाली? द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द टाउन वॉज 6 माइल्स, और एक तरफ की जर्नी में 45 मिनट्स लग रहे थे। मतलब अगर विलेज से सिटी जा रही है टाउन, इट विल टेक 45 मिनट्स। तो उसने सोचा कि अगर मैं 1 बजे यहां से निकलूं तो 1:45 पे कहां पहुंच जाएंगे? टाउन। वहां से 2 बजे वापस निकले तो 2:45 3 o'clock तक हम वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे उसके मन में ये इच्छा स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग होती गई। अब यहां से शुरू होती है वल्ली की बस जर्नी। एक दिन दोपहर का टाइम था, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतुओं का राजा। दोपहर का टाइम था, एक छोटे बच्चे की आवाज आई, स्टॉप द बस स्टॉप द बस। धीरे धीरे बस रुकी और कंडक्टर ने दरवाजे से बाहर से निकाला और बोला जिसको भी आना है जल्दी भेजो उसको। ये बोलते बोलते बस रुक गई और वो बच्ची बोलती है कि मैं जाऊंगी, मुझे जाना है बस से। वो बोलता अच्छा पक्का? फिर वो बोलती कि हाँ, और मेरे पास पैसे भी है। ये बोलते हुए कुछ कॉइन्स बोस कंडक्टर को दे देती है। कंडक्टर बोलता अरे पहले बस में तो आ जाओ, ये किराया तो आप बाद में भी दे देना। और वो उसको अपना हाथ देता है कि चलो मेरा हाथ पकड़ के चढ़ जाओ। बोलती भाई साहब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। कंडक्टर जो था ना वो थोड़ा जॉली टाइप का बंदा था, मतलब ऐसा खड़ूस नहीं था। अच्छा अच्छा सॉरी 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 माई मिस्टेक, चलो चढ़ जाओ। वो बस में चढ़ी, फिर कंडक्टर बोलता देखो आगे वहां पर एक सीट खाली है, वहां जाओ और बैठ जाओ। वल्ली वहां पर गई। बस का जो दिन का टाइम था, इट वॉज स्लैक टाइम, मतलब फ्री टाइम, ज्यादा पैसेंजर्स थे नहीं बस में, मुश्किल से 6-7 लोग थे। अब वल्ली आगे गई और आगे की एक सीट पर जाकर बैठ गई। फिर है बस का डिस्क्रिप्शन। नई बस थी भाई साहब, सफेद कलर की, चमचमाती हुई, उस पर ग्रीन कलर के कुछ स्ट्राइप्स थे,
सीट्स जो थी वो काफी कंफर्टेबल और लग्जूरियस थी। सामने और जो एक जो रहता ना विंडशील्ड जो है उसके ऊपर एक क्लॉक लगी हुई थी, और जो ओवरहेड रॉड्स होती है ना दे शोन लाइक सिल्वर, चांदी के जैसे चमक रहे थे। अब वल्ली एक सीट पर जाकर बैठ गई, उस सीट पर कोई भी नहीं था। अब जब वो वहां से बाहर देख रही थी तो उसका विजन ब्लॉक हो रहा था, क्योंकि वहां पर कैनवस था, उसके ऊपर तो ग्लास था लेकिन नीचे जो कैनवस था इसके कारण वो वहां से बाहर देख नहीं पा रही थी। अब जब वल्ली को दिखाई नहीं दे रहा था तो वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उसने क्या देखा, द रोड वॉज नैरो, सकड़ा था। एक साइड पर देयर वॉज अ कैनाल और उसके आगे उसने क्या देखा, पाम ट्रीज, डिस्टेंट माउंटेन्स, ब्लू स्काई, ये। और दूसरी साइड उसको दिखा एक डिच, डिच मतलब जैसे बड़ा सा गड्ढा टाइप जहां पर पानी भरा हुआ होता है, और उसके आगे उसको ग्रीन फील्ड दिखे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बस ऐसे ही चली जा रही थी। तभी वल्ली को आवाज आई, बच्चे जान तुमको ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। उसने ये सुना और वो बैठते हुए उसने देखा कि ये जबरन का ज्ञान पेल कौन रहा है, कौन था, देयर वॉज एन एल्डरली मैन। उसके दिमाग में भी यही आया होगा और आपके दिमाग में भी आता होगा ना कि बुढ़े लोग जो होते हैं ना ये जबरन की पंचायती बहुत करते हैं। वल्ली बोलती है, ओ दद्दू यहाँ पर बच्चा कौन है, मैंने अपना पूरा किराया दिया है, जैसे किसी और ने दिया है वैसे ही मैंने भी दिया है। और फिर कंडक्टर बोलता है कि हाँ हाँ ये कोई बच्ची थोड़ी है, ये तो बड़ी है, देखो अकेले पूरा किराया दे के और टाउन कौन जा सकता है, सॉरी मैम। फिर वो कंडक्टर की तरफ देखती है ऐसे थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, ये बोलती है, आई एम नॉट मैम And remember, you have not given me my ticket. तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुमको तुम्हारा टिकट दूंगा। और फिर वो बोलता है कि देखो हम इसलिए बोल रहे हैं कि कभी अचानक से टर्न आया या ब्रेक लगा आप गिर जाओगे, आपको चोट लग सकती है, इसलिए बैठने का बोल रहे हैं। और वैसे भी जब आपने किराया पूरा दिया है why should you stand? खड़े क्यों रहोगे? वो बोलती है because I want to. मेरा मन है, मेरा मन जो होगा मैं वो करूंगी, मुझे खड़े रहना है। कंडक्टर ने उसको उसका टिकट भी दे दिया और फिर आगे बस रुकी, कुछ और पैसेंजर्स उसमें चढ़े। अब उसने देखा कि यार कुछ और लोग चढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मेरी सीट चली जाए, कोई और आके बैठ जाए। सो शी डिसाइड्स टू सिट और वहां पर उसके पास आती है एक एल्डरली वुमन एंड शी इज एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब जिसको पसंद किया ही नहीं जा सकता। वल्ली ने उसको देखा, बड़े बड़े कान जो उसके ईयर लोब्स में होल्स बड़े बड़े, और उसमें उसने ईयर रिंग्स पहन रखे थे। एंड व्हाट वाज शी डूइंग, She was chewing beetle nut, सुपारी चबा रही थी, और उसके मुंह में इतना जूस भर गया था कि उसके जूस का हमला कभी भी हो सकता है, और ऐसे पर्सन को देखकर कोई क्या ही किसी को पसंद कर सकता है। वल्ली को वो बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं आई। और फिर वो आगे भी बोलती है कि अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि वही मैं टाउन जा रही हूँ। और वो बोलते कि हाँ अकेले जा रही हो? हाँ तो अकेले जा रही हूँ दादी, आपको क्या परेशानी है? फिर वो दादी सोचती है ये कैसी बात है। वो बोलती है टाउन जा रही है, अकेली लड़की जा रही है, तुमको पता है कौन सी स्ट्रीट में जाना है, हाउस नंबर पता है क्या? एंड शी वेंट ऑन एंड ऑन। अब देखो दद्दू एक बार बोल के चुप हो गए थे, लेकिन महिला की आदत क्या होती है, चुप नहीं रहना है, बोलते जाना है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और अब ऑथर हमको बताता है कि वल्ली ने पैसे कैसे बचाए, 30+30 60 पैसे, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। You know, she made every possible effort. She saved money. She used money sparingly. She saved it thriftily. मतलब जैसे तैसे हर जगह से, कभी बलून खरीदने की इच्छा हुई, कभी पेपरमिंट खरीदने की इच्छा हुई, नहीं खरीदना है, पैसे बचाना है। एक बार तो गांव में मेला लगा था और उसको झूला झूलना था, मेरी गो राउंड। वहां पर तो भाई साहब उसका ऐसा मन किया था यार कि आज तो झूला झूल लें, कल से पैसे बचाएंगे। लेकिन जैसे तैसे she controlled her desire. क्योंकि दूसरी डिजायर पूरी करनी थी ना, पैसे बच गए। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जाएंगे कैसे, इतनी छोटी बच्ची को जाने कौन देगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों नहीं थी, उसकी मम्मी वल्ली की लंच के बाद रोज सोती थी 1 बजे से 3 बजे तक। मम्मी का एक ही आइडिया था, दुनिया जाए भाड़ में अपने को आराम करना है, तो मम्मी जब सोएंगे उसी टाइम पे वो अक्सर गांव में जैसे आसपास कहीं जाना इधर उधर आसपास तो वो करती रहती थी। आज उसने सोचा कि चलो अपन आज दूसरे टाउन जाकर आते हैं, उसको देखकर आते हैं। अब बस आगे बढ़ती जा रही थी, कहीं पर एक हैमलेट आ रहा है। हैमलेट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा गांव। कहीं पर हैमलेट, कहीं पर उसको कोई रोड की साइड से शॉप दिख रही है। वैसे ही बस धीरे धीरे और कभी कभी तेज आगे बढ़ रही है। जब बस उसकी तो फर्स्ट थी ना वो वाली जो जर्नी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि और सामने से व्हीकल आ रहा है, बस इसके अंदर घुसी जाएगी या बस विल गॉबल इट अप,
बस इसको खाई जाएगी, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसको लगता है कि अरे बस इतनी पास में चली गई है इसके, हो सकता है कि ये इस आदमी का आखिरी रोड क्रॉस हो जिंदगी का, हो सकता है बस इसको निपटाई देगी। लेकिन हर कोई बच जाता और बस धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे भी और कभी कभी जल्दी जल्दी भी। अब अभी तक तो बैठी हुई थी, उसको पूरा मजा आ रहा था, लेकिन अब शी स्टार्टेड क्लैपिंग विथ ग्ली, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस, पूरे में उसको मजा आ रहा था, लेकिन अब और भयंकर मजा आने लग गया। क्यों? शी सॉ अ यंग काउ एंड व्हाट वाज द काउ डूइंग, छोटा है ना गाय का बछड़ा टाइप, वो रोड के बीच में दौड़ रही थी फुल स्पीड पर। अब इधर से ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, धीरे धीरे बस केम टू अ क्रॉल, मतलब बहुत धीरे हो गई, ऐसा थोड़ी कि वो गाय को ठोकी देगी, बस काफी धीरे हो गई, लेकिन वो गाय अभी भी डरी हुई थी। ड्राइवर जैसे जैसे हॉर्न बजाता जाता वैसे वो और ज्यादा दौड़ती और ज्यादा घबराती, फाइनली वो बस, फाइनली जो गाय थी वो बस के रास्ते से हट गई। उस गाय को देखकर बल्ली को इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, और वो इतनी हंस रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर कंडक्टर बोलता है, माय लेडी सारे हंसी आज ही मत हंस लो, थोड़ी बहुत कल के लिए भी बचा लो, और ये बोलते हुए बात आगे बढ़ गई। अब जब बस आगे जाती है तो वहां पर क्या आता है, एक रेलवे क्रॉसिंग, और दूर से दे सॉ अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन, स्पैक मतलब छोटी सी, और जैसे जैसे ट्रेन पास में आती जाती है ना वैसे वैसे वो ट्रेन बड़ी हो जाती है। अच्छा, अपनी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि हाउ कैन यू से दैट द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द ऑथर हैज रिटन एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड। तो भी जैसे एक बच्चा देखेगा ना, दूर से ट्रेन आ रही है छोटी सी है, पास आते आते बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, और फिर क्रॉस हुई ट्रेन वहां से, और वही छक पक और सारी रैटल और सारी आवाज आई, ट्रेन वहां से निकल गई, बस वापस चलती है और वो सिटी के टाउन के अंदर आ जाती है। वहां पर क्या होता है, वाइडर थोरोफेयर, मतलब जो रोड है वो थोड़ा चौड़ा था, और भाई साहब ये देख के उसको मजा प्रो आने लग गया, और भयंकर मजा, क्या शानदार कपड़े डेकोरेट कर रखे हैं, क्या मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज का मतलब सामान जो भी बेचने के लिए, वो सारी चीजें देख देख के उसको भयंकर मजा आ रहा था, और फाइनली बस आकर रुक गई। कंडक्टर उसको बोलता है, मैम आपके जो 30 पैसे है ना वो यहीं तक लेकर आने वाले थे आपको, ठीक है? तो सब लोग उतरते, वो बोले चलो उतर जाओ। वल्ली बोलती है, मुझे नहीं उतरना है, मुझे बस में ही बैठना है। वो बोलता है, क्यों बस में उतरना क्यों नहीं है? वो बोलती, नहीं बस मुझे टाउन आना था, मुझे बाहर नहीं जाना। वो बोलता है, ठीक है जब आ ही गए हो तो देख लो कि क्या है उधर स्ट्रीट में। वो बोलती, नहीं नहीं मुझे डर लगेगा। वो बोलता, अच्छा डर, और तुमको बस में आने में तो कोई डर नहीं लगा? वो बोलती है, इसमें क्या डरने की बात है। फिर वो बोलता है, चलो फिर भी ठीक है जाओ कुछ ले लो। वो कहती, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, थैंक यू। वो बोलता, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, तुम्हें नहीं उतरना कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। फिर वो बोलती, नहीं 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 आई डोंट हैव मनी, यू जस्ट गिव मी माई टिकट। वो बोलता, एक काम करो, इट्स अ ट्रीट फ्रॉम मी, मैं इसके पैसे दूंगा, तुम ले लो कोल्ड ड्रिंक, डोंट वरी। वो बोलती, नहीं 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 थैंक यू, प्लीज आप मुझे मेरा टिकट दे दो, मुझे कुछ भी नहीं पीना। बोलता, ठीक है आपकी जैसी मर्जी। और वो लोग वेट करने लग गए, किस चीज का वेट करने लग गए, अब जब पैसेंजर्स आएंगे बस वापस भराएगी उसके बाद ही तो वो जा पाएंगे ना। अगेन स्लैक टाइम था तो कोई बस को बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं आए। अब वो कंडक्टर भी जॉली टाइप का आदमी है, बल्ली भी बहुत बात करने वाली है, तो कंडक्टर उससे पूछता है कि यू आर हियर, तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढ नहीं रही होगी? वो बोलती, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, तुम लोड मत लो। फिर वापस उनकी बस शुरू होती है, जर्नी शुरू हो जाती, वापस हो जाते हैं गांव की तरफ। वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं कि एक बार सब देख लिया आप क्या देखना, शी वॉज इक्वली एक्साइटेड। और जब बस वापस जा रही थी ना, अब यहाँ पर एक ऐसी चीज देखती है, वो पूरी जर्नी में अब तक उसको भयंकर मजा ही आ रहा था, लेकिन अब एक ऐसी चीज देखती है कि उसका दिल बैठ जाता है। क्या देखती है वो? देयर वॉज अ यंग काउ डेड लाइंग बाय द साइड ऑफ ए रोड। और वो कंडक्टर से पूछती है कि कहीं ये वही वाले काउ तो नहीं है जो हमने जाते टाइम देखी थी? कंडक्टर नॉडेड, मतलब वो बोलता है कि हाँ ये वही काउ है। और वो थोड़ी डिप्रेस हो जाती है कि यार सम टाइम बैक इट वॉज अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर, और अब देखो क्या है, शी इज डेड, ब्लड ऑल ओवर, पैर ऐसे स्प्रेड है, आंखों में एक स्टिल स्टेयर है, मतलब शी इज डेड, आंखें खुली है, देयर इज स्टिल स्टेयर। तो उसको ये देखकर बड़ा बुरा लगता है कि यार कहां तो थोड़े टाइम पहले कोई ऐसी खूबसूरत चीज थी और अब ऐसा सीन हो गया। तो शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी दिस, बस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन अब बल्ली बाहर नहीं देख रही थी खिड़की से, उसके दिमाग में बार बार वो काव आ रही थी कि यार कितनी प्यारी थी और अब उसकी डेथ हो गई। फाइनली बस पहुंच जाती है बल्ली के गांव में, वो अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करती ना,
बैठे बैठे अकड़ गई होगी, उसने स्ट्रेच किया और भी उतरती है बस से और कंडक्टर को क्या बोलती है, आई होप टू सी यू अगेन, और कंडक्टर बोलता है बिल्कुल आना और किराया लाना बिल्कुल मत भूलना, ये बोलती है वो और वो उतर जाती है, उतर के वो अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है ना तो उसकी मम्मी सोई हुई नहीं थी, जाग रही थी, क्या कर रही थी मम्मी, शी वॉज टॉकिंग टू एन आंट, आंट कहाँ पर रहती थी, साउथ स्ट्रीट में, और शी वॉज अ चैटर बॉक्स, मतलब वंस शी ओपन्ड हर माउथ शी डिड नॉट स्टॉप। तो वो दोनों बातें कर रहे थे और जैसे वल्ली घर पे आई तो वो आंट पूछती है क्यों बेटा कहाँ गई थी, देखा मम्मी को चिंता नहीं रहती है, ज्यादा पंचायती किसको आती है, हमारे रिश्तेदारों को, बच्ची क्या कर रही थी, आंट को ज्यादा चिंता है। लेकिन आंट ने भी बहुत कैजुअली पूछा था, शी वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो वल्ली ने कोई जवाब दिया भी नहीं, बात आई गई होगी। अब वल्ली की मदर उसको बोलती कि देखो दुनिया में हमारे आसपास और बाहर कितनी सारी चीजें होती है, हमको तो पता चल भी नहीं सकती ना, और अगर हमें वो चीजें पता है भी तो हम हर चीज को कंप्लीटली तो समझ नहीं सकते। वल्ली इधर से बोलती बिल्कुल हम नहीं समझ सकती, और वो उधर से आंट बोलती वो व्हाट डिड यू से, क्या बोल रहे, वल्ली बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो यही आई अग्री देती हूँ कि हाँ इतनी सारी चीजें होती है, हम सारी चीजों को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। और फिर आंट बोलती है शी इज अ चिट ऑफ अ गर्ल, पिद्दी है छोटी सी लड़की, लेकिन देखो जबान कितनी चलती है, हर चीज में इसको अपनी टांग अड़ानी है, फोक हर नोज, फोक हर नोज का मतलब है कि जबन कहीं भी घुस जाना है। एनीवेज यहाँ पर बस आगे चीजें वल्ली ये सोचती रहती है कि यार, उसके मुंह पे स्माइल आती है तो वो सोचती है कि यार कहीं इनको पता ना चल जाए कि मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ, और वैसे कोई तरीका था भी नहीं, मतलब देयर वॉज नो वे, देयर वॉज नो चांस कि उनको पता चल जाए कि वल्ली मुस्कुरा क्यों रही है। वो क्यों मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो तो घूम फिर कर आई थी और मम्मी को एक्चुअली जो बात करी थी ना दुनियादारी की, ये पता नहीं है, वो पता नहीं क्या हो रहा, और यही नहीं पता है कि उसकी खुद की बेटी बाहर जाकर घूम फिर के वापस आ गई है, और यहाँ पर स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। अब हम दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो क्या है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, क्या था फेवरेट पास टाइम, दरवाजे पर खड़े होकर सारा देखना, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। व्हाट वाज हर डीपेस्ट डिजायर, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर डिजायर आप जानते ही है। अगली चीज है कि हाउ डिड शी प्लान हर विजिट टू द टाउन एंड हाउ डिड शी सेव द मनी, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देन व्हाई डिड शी नॉट वांट टू टॉक टू द एल्डरली वुमन और व्हाई डिड शी नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन, ये एक क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाई डिड शी स्टैंड ऑन हर सीट एंड व्हाट डिड शी सी आउटसाइड, ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी थी, दिख नहीं पाता था उसको आगे, इसलिए वो खड़ी हो गई, और क्या देखा ये भी हमको पता ही है, माउंटेन्स, ब्लू स्काई, ग्रीन फील्ड्स, कैनाल एटसेट्रा, और व्हाट इज इट दैट शी सॉ दैट मेड हर लाफ, क्या देखा था, काउ, उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हेन शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन व्हाट वाज द साइट दैट शी सॉ व्हिच डिसअपॉइंटेड हर, तो हमको पता है कि उसने क्या देखा था। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। सो दैट वुड बी इट फॉर नाउ, गुड बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।